केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, 84 लोगों की मौत, राहत और बचाव अभियान जारी। वायनाड में लैंडस्लाइड में बहे कई मकान और घर, करीब 400 परिवारों को रेस्क्यू करने में जुटी थी। वायनाड में राहत का बचाव के लिए पहुंची सेना की टीम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात कर रेस्क्यू में मदद के लिए कहा। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे। वायनाड में राहत बचाव को लेकर सीएम पिनाराई ने अभियान तेज करने के दिए निर्देश, सभी मंत्रियों से भी हालात पर नजर बनाए रखने को कहा गया। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, 76 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सोशल मीडिया एक्स के जरिए मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया, घायलों को मिलेगी 50-50 हजार की मदद। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड हादसे को लेकर सीएम पिनाराई विजयन से की बात, केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। केरल का वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, एक्सपर्ट लिखा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती है। वायनाड भूस्खलन हादसे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा, एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है, घटना में बहुत चिंतित हूं। लोकसभा में वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर बोले राहुल गांधी, कहा, 70 से ज्यादा लोगों के हादसे में जान गई है, मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार लोगों को रेस्क्यू करने में पूरी मदद करे और मुआवजे की रकम बढ़ाए। वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदनाएं, सरकार घायलों का जल्द से जल्द इलाज कराए। वायनाड भूस्खलन हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वायनाड में हुए भूस्खलन पर बयान, प्राकृतिक हादसे के कारण वायनाड में पहुंची क्षति, सरकार पूरी तरह से पीड़ित लोगों की करेगी मदद। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में घायल लोगों में से अस्पताल में मिले केरल सरकार के मंत्री ए के ससिंद्रन, पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की। वायनाड भूस्खलन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, वायनाड में स्थिति बहुत ही गंभीर, हमें जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत। राज्यसभा में वायनाड के मुद्दे पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वायनाड की घटना से सभी दुखी, केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के 18 बोगी पटरी से उतरी, 2 यात्रियों की मौत, कई लोग जख्मी। पहले से ही डीरेल मालगाड़ी के डब्बों से टकराने के बाद डीरेल हुई मुंबई हावड़ा रेल, रेलवे की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। झारखंड रेल हादसे पर एसपी मुकेश कुमार का बयान, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। झारखंड में हावड़ा मुंबई ट्रेन हादसे में रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को मिलेगी 5-5 लाख की मदद। हावड़ा सीएसएमटी मुंबई रेल ट्रेन के हादसे के बाद 17 ट्रेनों को किया गया डायवर्ट, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बदली ट्रेनों की टाइमिंग। हावड़ा मुंबई रेल हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों के लिए दुख जताया, साथ ही सरकार पर निशाना साधा, एक्स पर लिखा, क्या यही शासन व्यवस्था है, रेल पटरियों पर मौतों का ये अंतहीन सिलसिला कब तक हम सहन करेंगे। झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा, कुछ दिन पहले पेपर लीक का रिकॉर्ड चल रहा था, अब ट्रेन दुर्घटना का रिकॉर्ड बनाने जा रही है सरकार। झारखंड में ट्रेन रेल हादसे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड में ट्रेन हादसे पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का रेल मंत्री पर निशाना, बोली अश्विनी वैष्णव, अपने प्रचार में व्यस्त, ट्रेन हादसे को लेकर नहीं होती है कार्रवाई। रेल हादसे को लेकर लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 13 दिन में 7 घटनाएं, बेहद चिंताजनक, सरकार ट्रेनों में सुरक्षा के लिए नहीं उठा पा रही है कदम। कोचिंग हादसे को लेकर दायर याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, वकील रुद्र विक्रम सिंह ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई थी। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी ने नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर एलजी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों ने राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत को लेकर प्रदर्शन किया, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और कोचिंग सेंटर की फीस पर नियंत्रण की मांग की। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद अलर्ट पर यूपी प्रशासन, विकास प्राधिकरणों को जारी किए गए निर्देश, बारिश के दौरान बेसमेंट में ना की जाए खुदाई। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद एमपी सरकार भी हुई अलर्ट, सीएम मोहन यादव ने बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों के सर्वे के निर्देश दिए। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद बिहार में अलर्ट पर जिला प्रशासन, पटना जिला मैजिस्ट्रेट ने सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए बनाई टीम। सीआईआई के सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा, देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है, विकसित भारत के संकल्प को लेकर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जल्द ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, संकटों के बीच भी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया, डिफेंस का भी बजट 2 गुना किया, कृषि बजट भी 4 गुना बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना, अगले 3 साल में पीएम मोदी देश को दुनिया में तीसरे स्थान पर ले जाएंगे।
राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं उसे हमारी सरकार ने कांग्रेस के घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए बनाया है। 20 अगस्त को कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का करेगी शंखनाद। मुंबई में राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जानकारी दी। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का सीएम शिंदे सरकार पर निशाना, कहा एक तरफ सरकार कहती है उसके पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर 270 करोड़ रूपए किए जा रहे हैं मंजूर। विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए सीएम योगी, कहा महिला अपराध में समाजवादी पार्टी के लोग पाए जाते हैं। महिला अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, समाजवादी पार्टी को याद दिलाया लड़के हैं गलती कर देते हैं वाला बयान। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी खुद महिलाओं के लिए खतरा है, वो कैसे महिला सुरक्षा के बारे में बोल सकती है। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बोले सीएम योगी, कहा आखिरकार चाचा को गच्चा दे ही दिया, भतीजा भयभीत रहता है। सीएम योगी ने लखनऊ में यूपी कैबिनेट के साथ बैठक की, मीटिंग में जनता से जुड़े विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सीएम योगी के लखनऊ आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य, बैठक में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, बीजेपी नेता मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा मुसलमानों के साथ हुआ धोखा, अखिलेश ने मुसलमानों का वोट तो लिया फिर नेता विपक्ष क्यों नहीं बनाया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड डबल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता ब्रॉन्ज, ओलंपिक में भारत के नाम दूसरा मेडल। एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड डबल में जीता ब्रॉन्ज, 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल्स में भी जीता था कांस्य। पीएम मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई, एक्स पर लिखा हमारे निशानेबाज ने हमें गौरवान्वित किया।